हम इंटीग्रेशन देख लेते हैं। इंटीग्रेशन का जनरल मीनिंग क्या हो सकता है? इंटीग्रेशन मतलब यूनाइट करना, जोड़ना, ऐसा ही मीनिंग है इंटीग्रेशन का। तो इसी में इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, छोटे छोटे फंक्शन को ऐड करके, समेशन करके जब बड़ा फंक्शन हो जाता है तो उसको ही हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। छोटे छोटे फंक्शन को ऐड करके जब बड़ा फंक्शन हो जाता है तो उसको ही हम इंटीग्रेशन कहेंगे। अब हम इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं और इंटीग्रेशन चलो देख लेते हैं। इधर डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, इधर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ x रेस टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x रेस टू पावर n। इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू पावर n dx का क्या होगा, x रेस टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। c क्या होता है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। C को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। C इज एनी रियल नंबर विच इज कंसिडर्ड एज कॉन्स्टेंट फंक्शन। डिफ्रेंसिएशन ऑफ x क्या होगा, 1। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, x प्लस c। डिफ्रेंसिएशन ऑफ sin x क्या होता है, cos x। और इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या होगा, sin x प्लस c। थर्ड डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉस एक्स क्या होगा, साइन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स क्या होगा, इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। डिफरेंशिएशन ऑफ टैन एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इक्वल्स टू टैन एक्स प्लस सी। डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉट एक्स इक्वल्स टू कॉसेक का स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक का स्क्वायर एक्स डीएक्स इक्वल्स टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स टैन एक्स। इंटीग्रेशन सेक एक्स टैन एक्स डीएक्स इक्वल्स टू सेक एक्स प्लस सी। डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉसेक एक्स इक्वल्स टू कॉसेक एक्स कॉट एक्स। इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स कॉट एक्स डीएक्स इक्वल्स टू माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि ये देखो, जैसे कि हम ये देख रहे हैं, ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, कॉस एक्स। तो ये कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, साइन एक्स। इधर देखो, माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, साइन एक्स। और इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स का क्या हो रहा है, माइनस कॉस एक्स। तो एक चीज तो आपने नोटिस किया होगा कि इंटीग्रेशन क्या है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या हुआ, एंटी डेरिवेटिव हुआ। देखो ना, ये टैन एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स होगा, और जब आप सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो क्या, टैन एक्स आएगा प्लस सी। तो ये क्या होता है, ये इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, एंटी डेरिवेशन डिफरेंशिएशन। ठीक है, एंटी डिफरेंशिएशन क्या होगा, इंटीग्रल होगा, इंटीग्रेशन होगा, या इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। एट डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। नाइन डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। डी ऑफ डीएक्स टैन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टैन इनवर्स एक्स प्लस सी। डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। ट्वेल्व
डिफ्रेंसिएशन ऑफ sec इनवर्स x इक्वल्स टू वन अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस वन, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू sec इनवर्स x प्लस c, डिफ्रेंसिएशन ऑफ माइनस cos sec इनवर्स x इक्वल्स टू वन अपॉन x इंटू अंडर रूट x स्क्वायर माइनस वन, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इंटू अंडर रूट x स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू माइनस cos sec इनवर्स x प्लस c. 14. डिफ्रेंसिएशन ऑफ e रेस टू पावर x इक्वल्स टू e रेस टू पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू पावर x dx इक्वल्स टू e रेस टू पावर x प्लस c, डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x इक्वल्स टू 1 बाय x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx इक्वल्स टू log x प्लस c. अब हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन सारे करते हैं. फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन. ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक सॉल्व कर लेते हैं. इसमें क्या देखना है, साइन टू एक्स का आपको क्या करना है, एंटी डेरिवेटिव निकालना है बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन. तो साइन टू एक्स को आपको देखना है कि किसका ये फंक्शन किसका डेरिवेटिव है. तो ये d ऑफ dx यदि आप लिख लेते हैं cos 2x, तो आप क्या करो इसको डिफ्रेंशिएट कर लो. cos 2x का क्या होता है, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x माइनस साइन, इसको x ट्रीट कर लो तो 2x, फिर इसका कोफिशिएंट क्या है 2, तो इंटू 2. फिर ये साइन 2x को इधर ही रहने दो, इधर ले आओ d ऑफ dx एक्स 1/2, ये cos 2x, ये माइनस भी ले आओ. तो ये sin 2x का क्या हुआ, एंटी डेरिवेटिव क्या हुआ, sin 2x इक्वल्स टू माइनस 1/2 d ऑफ dx cos 2x. तो sin 2x का एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव बोले कहने का मतलब इंटीग्रेशन. तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस हाफ डी ऑफ डी एक्स कॉस टू एक्स, इसका साइन टू एक्स का एंटी डेरिवेटिव ये है. क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 जो था मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव उसका था, बट मैंने एक क्वेश्चन कर लिया. यदि आपको ट्राई करना है तो 1 से लेके 5 तक आप कर सकते हैं. चलो आप क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कैसे करना है. इंटीग्रेशन ऑफ 4 ई रेस टू पावर 3x प्लस 1 dx, तो इसको कैसे करना है सॉल्व, 4 ई रेस टू पावर 3x प्लस 1 dx सेपरेट कर लो. ये 4 कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर कर लो, 4 e raise to power 3x plus 1 dx. अब बताओ 4 इसका e raise to power 3x, e raise to power x का ये इंटीग्रेशन क्या था, e raise to power x. तो ये क्या करना, e raise to power 3x ये क्या है, अब इसका 3x का इसका कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो डिवाइड बाय 3 प्लस dx का क्या बताया था आपको, वो ये इसका इंटीग्रेशन क्या होता है dx का x x, और हमेशा प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ये पक्का लिखना c प्लस c. तो अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं. इसमें क्या करो, x स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई कर लो, x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये मतलब ये ब्रैकेट में है, तो ये ब्रैकेट वाला इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो. चलो x स्क्वायर dx माइनस 1 बाय x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई कर लिया dx, ये क्या होगा x स्क्वायर dx माइनस ये x स्क्वायर कैंसिल, ये dx x स्क्वायर. इसका फॉर्मूला क्या है, x रेस टू पावर n का बताया था मैंने, x रेस टू पावर n का क्या होता है, x रेस टू पावर n इंटीग्रेशन x रेस टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. तो आप कर लो x रेस टू पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस इसका
इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x प्लस सी, एक्स रेज टू पावर 3 अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस सी, सी जरूर लिखना। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या कर लो, ये a बाहर कर दो क्योंकि ये कांस्टेंट है, x स्क्वायर dx प्लस b कांस्टेंट है, बाहर कर लो x dx प्लस c dx। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स रेज टू पावर एन का इंटीग्रेशन क्या बताया था मैंने आपको, एक्स रेज टू पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो क्या करो, ए एक्स रेज टू पावर टू है तो टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन प्लस बी, ये क्या होगा, ये सपोज एक पावर है तो वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन प्लस डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स सी एक्स प्लस सी पक्का लिखना, ये क्या है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ए एक्स रेज टू पावर थ्री अपॉन थ्री प्लस बी एक्स स्क्वेयर अपॉन एक एक दो प्लस सी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पक्का ही लिखना, लिखो रेड कलर से लिख दी, दिस इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 9 को अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स, सेपरेट कर लो इसको, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स, ये अभी बताया था, ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन का क्या है, एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो क्या होगा, टू ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट ही रहेगा, टू इंटू एक्स रेज टू पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन प्लस ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या बताया था, ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन टू इंटू एक्स रेज टू पावर थ्री अपॉन थ्री प्लस ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी। देखो कितना आसान था ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस वन बाय अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। तो ये फॉर्मूला है ए माइनस बी होल स्क्वायर का, ये फॉर्मूला है ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा लो, ठीक है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू ए बी डी एक्स, ये क्या बनेगा, ये एक्स बनेगा, रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स, सेपरेट कर लो, ये क्या बनेगा वन बाय एक्स डी एक्स, ये रूट एक्स कैंसिल तो माइनस टू डी एक्स, है ना कितना आसान। अब फॉर्मूला लगा लो, एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस इधर क्या होगा लॉग मॉड एक्स, वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बताया था मैंने, वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स माइनस टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होगा एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये रहा आंसर। क्वेश्चन 12, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस फोर अपॉन रूट एक्स डी एक्स, इसको क्या करो, रूट एक्स को सेपरेटली सेपरेटली डिवाइड कर लो, ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करना है, एक्स क्यूब अपॉन रूट एक्स प्लस थ्री एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस फोर अपॉन रूट एक्स dx, इसको रूट एक्स को ऊपर लेकर जाओ तो क्या होगा, एक्स रेज टू पावर थ्री माइनस हाफ प्लस, ये x को कैसे लिख सकते, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, देखो रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो ये एक रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा इधर, थ्री रूट एक्स प्लस फोर एक्स रेज टू पावर माइनस हाफ dx। अब सेपरेट सेपरेट करके इंटीग्रेट कर लो, एक्स रेज टू पावर
थ्री टू जो सिक्स माइनस वन फाइव बाई टू, फाइव बाई टू डी एक्स प्लस थ्री रूट एक्स डी एक्स प्लस फोर एक्स माइनस हाफ डी एक्स, एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू पावर एन डी एक्स का क्या इंटीग्रेशन था, एक्स रेस टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू पावर एन डी एक्स का क्या इंटीग्रेशन था, एक्स रेस टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी था ना। चलो एक्स रेस टू पावर फाइव बाय टू प्लस वन अपॉन फाइव बाय टू प्लस वन प्लस थ्री, ये कॉन्स्टेंट है तो ये कॉन्स्टेंट ही रहेगा, एक्स का हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन प्लस फोर एक्स रेस टू पावर माइनस हाफ प्लस वन अपॉन हाफ माइनस हाफ प्लस वन प्लस सी। अब क्या कर लो इसको, एक्स रेस टू पावर फाइव बाई टू प्लस वन क्या होगा, इधर एलसीएम ले लो तो दो पांच प्लस दो सेवन बाई टू, एक्स रेस टू पावर एक्स रेस टू पावर सेवन बाई टू अपॉन सेवन बाई टू। देखो दो एलसीएम लोगे तो पांच प्लस दो सेवन बाई टू प्लस थ्री एक्स रेस टू पावर दो एक थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू प्लस फोर एक्स रेस टू पावर माइनस हाफ प्लस वन हाफ और नीचे हाफ प्लस सी। अब ये क्या कर लो, ये सेवन बाई टू है, इधर इधर ऊपर लेकर जाओ इधर, तो इधर क्या हो जाएगा टू बाई सेवन एक्स रेस टू पावर सेवन बाई टू प्लस थ्री इंटू ये थ्री बाई टू है तो ऊपर जाके क्या होगा इधर आएगा तो टू बाई थ्री एक्स रेस टू पावर थ्री बाई टू प्लस फोर इंटू टू एक्स वन बाई टू प्लस सी। प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर लिखना, टू बाई सेवन एक्स रेस टू पावर सेवन बाई टू ये थ्री थ्री कैंसिल प्लस टू एक्स रेस टू पावर थ्री बाई टू फोर टू जो एट एट अंडर रूट एक्स प्लस सी, ये रहा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्टीन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। इसमें क्या करो, ऊपर कॉमन ले लो एक्स स्क्वायर, इससे कॉमन ले लो एक्स स्क्वायर, इसमें से वन कॉमन ले लो। चलो देखते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा ऊपर एक्स माइनस वन, इसमें से वन कॉमन ले लो तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। अब एक काम कर लो, इसमें भी एक्स माइनस वन है, इसमें भी एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन कॉमन ले लो एक्स माइनस वन, तो फिर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। अब क्या करो, ये एक्स माइनस वन है, इधर भी एक्स माइनस वन है, एक्स माइनस वन कैंसिल, तो क्या बचा इधर एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, फिर सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट कर लो एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वन डी एक्स। ये क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स ब्रैकेट इंटू रूट एक्स डी एक्स। क्या करो, रूट एक्स को ये ब्रैकेट वाले से मल्टीप्लाई कर लो, रूट एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो इधर क्या बचेगा, इधर रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स
dx, इधर क्या होगा हाफ, इधर वन प्लस हाफ dx, x रेस टू पावर हाफ dx माइनस, ये क्या है इधर क्या होगा दो प्लस वन, इधर एलसीएम ले लो तो दो एलसीएम लोगे तो इधर क्या होगा दो प्लस वन थ्री बाई टू dx, आप सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट कर लो, लास्ट स्टेप x रेस टू पावर हाफ dx माइनस x रेस टू पावर थ्री बाई टू dx, अब क्या करो x रेस इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू पावर n dx का फॉर्मूला लगा लो, x रेस टू पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, x रेस टू पावर हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन माइनस x रेस टू पावर थ्री बाई टू प्लस वन अपॉन थ्री बाई टू प्लस वन, और ये प्लस सी, तो ये क्या होगा दो दो एलसीएम लेने के बाद तो ये थ्री बाई टू एक्स रेस टू पावर थ्री बाई टू, और नीचे क्या होगा दो एक थ्री बाई टू, इधर क्या होगा माइनस एक्स रेस टू पावर ये दो एलसीएम तो ये क्या होगा तीन प्लस दो पांच, पांच बाई टू फाइव बाई टू अपॉन फाइव बाई टू प्लस सी, अभी जगह नहीं मिल रहा है तो इसको मिटा के फिर फाइनल आंसर लिख लेते हैं। ये क्या होगा इधर x रेस टू पावर थ्री बाई टू, इधर नीचे क्या है थ्री बाई टू, तो ऊपर इधर आएगा तो क्या होगा इधर टू बाई थ्री माइनस x रेस टू पावर फाइव बाई टू, इधर आएगा तो टू बाई फाइव प्लस सी, टू बाई थ्री एक्स रेस टू पावर थ्री बाई टू माइनस टू बाई फाइव एक्स रेस टू पावर फाइव बाई टू प्लस सी, ये फाइनल आंसर है इसका। क्वेश्चन 15, इंटीग्रेशन रूट एक्स ब्रैकेट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स, क्या करो रूट एक्स को ये पूरा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लो, रूट एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे, रूट एक्स को इससे मल्टीप्लाई करो, देखते हैं रूट एक्स थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू रूट एक्स प्लस थ्री रूट एक्स होल ब्रैकेट डी एक्स, थ्री इधर एक्स इधर हाफ हाफ प्लस टू प्लस टू एक्स, ये क्या है ये वन एक्स रेस टू पावर ये वन प्लस हाफ प्लस थ्री एक्स हाफ डी एक्स, इधर क्या होगा थ्री एक्स रेस टू पावर हाफ प्लस टू क्या हो जाएगा, यदि आप दो एलसीएम लेते हो तो दो एलसीएम लोगे तो ये क्या होगा ये वन प्लस टू टू जा फोर, वन प्लस फोर फाइव, फाइव बाई टू डी एक्स प्लस टू एक्स रेस टू पावर वन प्लस हाफ कितना होता है टू एलसीएम ले लो तो दो प्लस वन थ्री बाई टू डी एक्स प्लस थ्री कॉन्स्टेंट है बाहर रख लो एक्स हाफ डी एक्स, अब इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेशन एक्स रेस टू पावर एन डी एक्स फॉर्मूला लगा लो तो क्या होगा उसका फॉर्मूला एक्स रेस टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, देखो थ्री एक्स रेस टू पावर फाइव बाई टू प्लस वन अपॉन फाइव बाई टू प्लस वन प्लस टू इंटू एक्स रेस टू पावर थ्री बाई टू प्लस वन अपॉन थ्री बाई टू प्लस वन, ये एन है
तो एन प्लस वन प्लस थ्री एक्स रेस टू पावर हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन प्लस सी। अब इधर क्या होगा, थ्री एक्स रेस टू पावर, ये दो एलसीएम, तो पांच प्लस दो सेवन बाई टू, नीचे सेवन बाई टू प्लस टू इंटू एक्स रेस टू पावर दो, तीन प्लस दो पांच, फाइव बाई टू, इधर फाइव बाई टू प्लस थ्री एक्स रेस टू पावर हाफ प्लस वन, तो ये क्या होगा, दो एलसीएम ले लोगे तो दो प्लस वन थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू प्लस सी। अब ये वाला जो ये नीचे है, इधर ले आओ, थ्री इंटू टू बाई सेवन एक्स रेस टू पावर सेवन बाई टू प्लस टू इंटू टू बाई फाइव एक्स रेस टू पावर टू बाई फाइव, हाँ इधर आएगा तो टू बाई फाइव एक्स रेस टू पावर फाइव बाई टू प्लस थ्री इंटू टू बाई थ्री एक्स रेस टू पावर थ्री बाई टू प्लस सी। अब क्या, थ्री टू जो सिक्स, सिक्स बाई सेवन, फाइनल आंसर लिख लेते हैं, थ्री टू जो सिक्स बाई सेवन एक्स रेस टू पावर सेवन बाई टू, ये सेवन है, प्लस टू टू जो फोर, फोर बाई फाइव एक्स रेस टू पावर फाइव बाई टू प्लस ये थ्री थ्री कैंसिल, टू एक्स रेस टू पावर थ्री बाई टू प्लस सी, ये फाइनल आंसर है। चलो अब ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इंटीग्रेशन टू एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स प्लस ई रेस टू पावर एक्स डी एक्स, चलो कर लेते हैं, सेपरेट सेपरेट कर लो, टू एक्स डी एक्स, ठीक है ये कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस थ्री कॉस एक्स डी एक्स प्लस ई एक्स डी एक्स। अब क्या, इंटीग्रेशन लगा लो, एक्स डी एक्स क्या होगा, टू इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस थ्री, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स क्या था, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स साइन एक्स प्लस सी, देखो कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, साइन एक्स प्लस सी, तो ये क्या, कॉस एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर एक्स डी एक्स का क्या था, ई रेस टू पावर एक्स ही था, ई रेस टू पावर एक्स प्लस सी, टू टू कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री साइन एक्स प्लस ई रेस टू पावर एक्स प्लस सी, ये है फाइनल आंसर। क्वेश्चन 17, इंटीग्रेशन टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री साइन एक्स प्लस फाइव रूट एक्स डी एक्स, चलो करते हैं, सेपरेट सेपरेट कर लो, टू कॉन्स्टेंट है तो बाहर कर लो, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस थ्री साइन एक्स डी एक्स प्लस फाइव रूट एक्स डी एक्स। अब इधर टू इंटू एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स क्या है, होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स क्या होगा, इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो ये माइनस थ्री इंटू साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, तो ये क्या करो माइनस कॉस एक्स, ये फाइव एक्स रेस टू पावर वन बाई टू प्लस वन अपॉन वन बाई टू प्लस वन प्लस सी। अभी दैट टू बाई थ्री एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस थ्री कॉस एक्स प्लस फाइव इंटू ये क्या एक्स रेस टू पावर
2 × 3/2 Let's see final answer. 2/3 x³ + 3 cos x + 5 × 2/3 x³ / 3/2 plus c final answer. Question 18. Integration sec x bracket sec x plus tan x dx. तो क्या करो, sec x को ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लो, sec x को इससे मल्टीप्लाई कर लो, sec x को इससे मल्टीप्लाई करो. चलो करते हैं. sec x into sec x plus sec x tan x, sec x tan x dx. ये क्या होगा, sec x into sec x, sec square x dx plus sec x tan x dx. इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx क्या होगा, tan x. इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx का क्या इंटीग्रेशन होता है, tan x plus c. ये tan x. इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x क्या होगा, sec x plus c. ये फाइनल आंसर, tan x plus sec x plus c. क्वेश्चन नंबर 19. इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx. sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 by cos स्क्वायर x. cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 by sin स्क्वायर x dx. ये क्या होगा, 1 by cos स्क्वायर x, ये वाला ऊपर चला जाएगा, इनटू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 dx. ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx. साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, साइन अपॉन क्या, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन होता है. तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, टैन स्क्वायर एक्स हो जाएगा. ये tan square x लिख लो. अब हमने क्लास 10 में पढ़ा था tan square x को क्या लिख सकते हैं, देखो sec square x minus 1 लिख सकते हैं. tan square x को क्या लिख सकते हैं, sec square x minus 1 लिख लो, sec square x minus 1 dx. अब इसको इंटीग्रेट कर लो, sec square x dx minus 1 dx. sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, यस tan x, tan x माइनस x dx का इंटीग्रेशन x प्लस c. ये रहा फाइनल आंसर. क्वेश्चन 20. इंटीग्रेशन 2 − 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx. इसको क्या करो, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख लो और फिर −3 sin x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख लो. चलो करते हैं, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स −3 sin x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स. सही है इधर तक. एक काम करो, 1 by cos² x क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स होगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन अपॉन, एक बार कॉस ले लो, एक कॉस स्क्वायर एक्स है तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, एक कॉस एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होगा, टैन एक्स. और फिर एक और कॉस एक्स है तो 1 by cos x क्या होगा, sec x dx. अब सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट कर लो, 2 sec² x dx. ये 2 है, कॉन्स्टेंट है तो इधर लिख लो, वहां लिख लो, −3 tan x sec x. अब इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या होगा, tan x होगा. tan x और sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x होता है.
ये रहा फाइनल आंसर 2 tan x - 3 sec x + c। क्वेश्चन नंबर 21। द एंटी डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 1 / √x इक्वल्स। क्वेश्चन में यदि एंटी डेरिवेटिव रहेगा तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन ही क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है। चलो अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, √x + 1 / √x dx। सेपरेट सेपरेट कर लो इसको, x^2 ½ dx + x^2 - ½ dx। चलो x^(x^n) dx क्या होता है, मैंने बताया था x^(n+1)/(n+1), तो x^(1/2)+1)/(1/2)+1 इधर क्या होगा, प्लस x^(-1)/(-1)/(+1) प्लस सी। याद से लिखना, x^(1/2)+1 क्या होगा, 2 एलसीएम लोगे तो 1 + 2 = 3, 3/2 नीचे भी 3/2 प्लस x^(-1)/(+1) क्या होगा, हाफ और नीचे हाफ प्लस सी। अब क्या कर दो, इधर x^(3/2) ये क्या है, 3/2, तो इधर क्या आ जाएगा 2/3 प्लस ये क्या हो जाएगा इधर 2 x^(1/2) प्लस सी। ये क्या है फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में ए बी सी डी में आपको टिक करना है कौन सा आंसर सही है, तो जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा आंसर यही आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट होगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन 22, इफ d/dx ऑफ f(x) = 4x³ - 3/x^4 such that f(2) = 0, then f(x) is। चलो करते हैं जल्दी जल्दी फटाफट, तो क्या करना है इसमें, देखो क्वेश्चन में क्या दिए रखा है, d/dx f(x) फंक्शन है किसका, 4x³ - 3x^4। तो क्या f(x) = f(x) क्या हो जाएगा, इधर इंटीग्रेट हो जाएगा 4x³ - 3x^4 dx। अब इंटीग्रेट कर लो सेपरेट सेपरेट, f(x) 4x³ dx - 3x - 4 dx, 4x^(3+1)/(3+1) - 3x^(-4)+1)/(-4+1) प्लस सी। सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये पक्का लिखना, याद से लिखना। अब क्या देखो, इधर क्या होगा 4, ये x^(3+1)/(4)/4), ये -3x^(-3)/(-4+1)-3 प्लस सी। 4 कैंसिल, 3 कैंसिल और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x^(4), ठीक है, f(x) है ये भी f(x) है ये। तो ये 4 कैंसिल हो गए, तो क्या बचा, ये f(x) = x^(4)/3 कैंसिल हो गए, तो माइनस माइनस प्लस 1x³ + c। इधर तक समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, सच दैट f(2) = 0, इसका मतलब x का वैल्यू क्या
क्या पुट कर दो, टू पुट कर दो, करते हैं चलो। एफ ऑफ टू एक्स की जगह पे क्या पुट कर दो, टू पुट कर दो, टू रेस टू पावर फोर प्लस वन अपॉन टू रेस टू पावर थ्री प्लस सी। एफ ऑफ टू इक्वल्स टू जीरो, तो एफ ऑफ टू इक्वल्स टू मैंने ये लिख दिया इक्वल्स टू जीरो, ये क्या होगा, टू टू जो फोर, फोर टू जो एट, सोलह, सिक्सटीन प्लस वन अपॉन वन बाई एट प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। सी इधर ही रहने दो, सी इक्वल्स टू ये इधर लेकर आ जाओ माइनस सिक्सटीन माइनस वन बाई एट, एलसीएम ले लो, एट एलसीएम माइनस सिक्सटीन इंटू एट क्या होता है, माइनस सिक्सटीन इंटू एट वन ट्वेंटी एट, माइनस वन ट्वेंटी एट माइनस वन, ये क्या हो जाएगा माइनस वन ट्वेंटी नाइन बाई एट। सी का वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट का वैल्यू क्या है, माइनस वन ट्वेंटी नाइन बाई एट। अब क्या करो, इसमें पुट कर दो, सी का वैल्यू जो है फर्स्ट में पुट कर दो, तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर फोर प्लस वन बाय एक्स क्यू प्लस सी। सी का वैल्यू मैंने क्या निकाला इधर, माइनस वन ट्वेंटी नाइन बाई एट, तो ये वाला यहां पे पुट कर दो, माइनस माइनस वन ट्वेंटी नाइन बाई एट, तो ये क्या फाइनल आंसर हो गया, यही क्या फाइनल आंसर हो गया। इसमें क्या है, आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से ऑप्शन चूज करना है, तो कौन सा आंसर सही आएगा, तो जो ए है ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, एक्स रेस टू पावर फोर प्लस वन बाई एक्स क्यूब माइनस वन ट्वेंटी नाइन बाई एट। यहाँ हमारा एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।